गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर द मैंस ड्रीम का रिवीजन करेंगे। इसमें मंगू बहुत ज़्यादा पुअर था और वह क्या है, वह सपना बहुत देखता था और वह उसका एक जो टेंपल था उसके पास उसकी हट थी, उसे वे उस टेंपल में जो लोग आते थे वो उसको कुछ ना कुछ देते, वह उसको बचा लेता था। और इससे क्या है, इससे उसने एक अर्थन पॉट में मिट्टी के घड़े में रख लिया था और उससे और उसने उसको अपने जो बिस्तर था उसके ऊपर उसको टांग लिया था और उसने सपना देखा था कि वह अपना जो ऊपर जो पॉट टंगा है उसमें उससे क्या है, उस मिल्क से वो दही बनाएगा, दही से मक्खन निकालेगा और फिर उसको मार्केट में बेच देगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मुर्गी बच्चे खरीदेगा मुर्गी के। उसके बाद 6 महीने में जब वो बड़े हो जाएंगे फिर उनको बेच के वो एक क्राउन खरीदेगा, फिर ब्यूटीफुल लड़की से शादी करेगा और इस तरीके से उसका सपना जो था वो टूट जाता है जब वह नींद में ही अपना पैर जो है वो ऊपर घड़े में मार देता है और पॉट टूट जाता है। इस तरीके से सेकेंड चैप्टर में हम इसका रिविज़न करेंगे। फर्स्ट में है वर्ड मीनिंग, इसमें क्या है, फर्स्ट है पोर्ड, पोर्ड का मतलब है पुट, रखना। टू है अर्थन पॉट, ए कंटेनर मेड ऑफ क्ले, मिट्टी का जो घड़ा होता है। स्ट्रिंग, रोप, रस्सी रस्सी। और सीलिंग, इनर पार्ट ऑफ रूफ, इसमें जो छत के अंदर का हिस्सा होता है, भाग होता है, उसको बोलते हैं सीलिंग। और टिक द करेक्ट, इसमें देखिए फर्स्ट में है द मैंस हट वॉज नेक्स्ट टू ए स्मॉल, जो मैन था मंगू था उसकी जो हट थी जो झोपड़ी थी वो किसके पास में थी, किसके पास में थी, ऑफिस या टेंपल, तो आपको टेंपल पर टिक कर देना है। टू ही पोर्ड द मिल्क इन ए विग, वह अपना जो किस बड़े से उसमें मिल्क डाल लेता था वो अर्थन पॉट में मिल्क डालता था मिट्टी के घड़े में, तो इसको टिक करना है। थ्री नंबर है इन डैश मंथ्स द चिकन्स बिकम बिग हैंस, कितने महीने में चिकन जो थे वो हैंस बन गए, मुर्गियां बन गई, तो आपको 6 में टिक करना है। और आपको ये रिवीजन रफ कॉपी में करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।